नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट यहाँ देखने के लिए मिल रही है। HPSSB बोर्ड हमीरपुर के द्वारा 7 मार्च 2022 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ की जाती है, जिसमें कि एक बहुत ही मेजर चेंज यहाँ देखने के लिए मिलता है एग्जामिनेशन पैटर्न के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया जाता है HPSSB बोर्ड हमीरपुर के द्वारा। क्या कुछ नई चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं, क्या इसमें मेजर चेंजेस किए गए हैं, उन चीज़ों के बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम प्रीवियस पैटर्न को भी कंपेयर करने वाले हैं न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के साथ, ताकि जो भी मेजर चेंजेस किए गए हैं उन चेंजेस को हम एनालाइज कर सकें और अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी को इन चेंजेस के आधार पर आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस पैटर्न की, इसमें 170 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते थे, 85 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता था, 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन मिलता था और उसके बाद यहाँ पर 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाती थी। लेकिन अब न्यू एग्ज़ाम पैटर्न में ये 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पूरे तरीके से यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है और इसकी जगह यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो केवल और केवल आपके रिटर्न स्कोर के आधार पर ही यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनने वाली है। जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनके ज़्यादा मार्क्स लगते थे वे यहाँ मायूस होने वाले हैं और जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत कम मार्क्स यहाँ पर लगते थे, यानी कि एकेडमिक मार्क्स ही उनके काउंट होते थे, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है और वो बहुत खुश भी होंगे। तो अगर हमें बात करूँ यहाँ क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग क्वेश्चन की, तो यहाँ पर 170 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते थे पहले, जो कि अब बढ़कर 200 क्वेश्चन अब पूछे जाने वाले हैं। 85 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता जो अब 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर काउंट होगा। 2 आवर्स का यहाँ टाइम ड्यूरेशन मिलता था और आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पहले 170 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए 2 घंटे मिलते थे, तो अब 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर पैटर्न के आधार पर ही यहाँ पर आपको 2 आवर्स ही यहाँ पर मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं कंक्लूजन पे आऊँ तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन पहले कम होते थे, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का था और यहाँ क्वेश्चन ज़्यादा है और फिर भी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का यहाँ टाइम स्पेन हमें मिलने वाला है। तो इसमें एक कंक्लूजन पर हम आ सकते हैं कि यहाँ पर स्पीड का होना बहुत ही ज़रूरी हो गया है इस न्यू पैटर्न के साथ, और इसके साथ हम इंक्लूड कर सकते हैं एक्यूरेसी को भी। इस एक्यूरेसी को मैं इसलिए कंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होगी, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में अपने आप को लाना है, अपना स्थान पक्का करना है, तो आपको इन 2 चीज़ों पर सबसे पहले विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद बाद आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के रिगार्डिंग कि किस सेक्शन के थ्रू कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किन किन सेक्शनों में हम इन्हें बांट सकते हैं। तो पहले के अगर हमें ये क्लर्क और दूसरे कुछ एक एग्ज़ाम को छोड़ के अगर बाकी जितने भी एग्ज़ाम जो HPSSB हमीरपुर कंडक्ट करवाता है उन्हें 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक सब्जेक्टिव पैटर्न, सब्जेक्ट से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते थे उससे 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आते थे और जो बाकी के 50 क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर जनरल सेक्शन से आते थे। लेकिन यहाँ पर अभी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार 200 क्वेश्चन यहाँ एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और उसके उसमें जो सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारी सब्जेक्ट से रिलेटेड 120 क्वेश्चन सेम एज इट इज़ प्रीवियस पैटर्न के आधार पर ही यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और जो मेजर चेंज यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है वो ये है कि जो पहले 50 क्वेश्चन जनरल सेक्शन से आते थे वो अब 50 से बढ़कर यहाँ 80 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, यानी कि आपका जो जनरल सेक्शन है वो बहुत ही उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होने वाला है। और इसके अंदर जनरल सेक्शन के अंदर हम बात करें जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते थे वो भी अब उनके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी अब यहाँ पर चेंज होने वाले हैं, वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं और न्यू सेक्टर से भी यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। साइंस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके रीजनिंग से भी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और दूसरे ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इनसे भी क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन वो ज़्यादा पुटअप होने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। तो ऑन लास्ट में हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि अभी न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न में सबसे पहला मेजर फैक्टर यहाँ पर जो रहेगा वो स्पीड का रहेगा, सेकेंड एक्यूरेसी का, और उसके बाद जो एक मेजर गेम प्ले यहाँ पर रोल प्ले
प्ले करने वाला है वो हमारा जनरल सेक्शन जो है, जीएस सेक्शन, वो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपकी फाइनल मेरिट में सिलेक्शन तय करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को भी आपको अपने एग्ज़ाम प्रेपरेशन स्ट्रेटजी में इंक्लूड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, और ज़्यादा कुछ नहीं है इस नोटिफिकेशन में। बाकी अगर मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि आप इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और अपने जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप जो भी लेटेस्ट यहाँ पर सिलेबस अपडेट किया गया है, जिस हिसाब से पैटर्न यहाँ पर अपडेट किया गया है, उस पैटर्न को एनालाइज करें खुद ब खुद, और अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सिलेबस है उस चीज़ को भी एक दोबारा से इस नोटिफिकेशन को देखें। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस नोटिफिकेशन में। और कुछ एक स्टूडेंट्स का ये भी यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि सर क्या जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए हैं HPSSB हमीरपुर ने, जिनका अभी रिजल्ट पेंडिंग है या जिनकी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है, क्या उनके उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी या नहीं होगी? तो इस चीज़ में मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, जो भी पोस्ट कोड 926 या 926 पोस्ट कोड के बाद के जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, पोस्ट कोड के जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाने वाले हैं, वो उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल नहीं होने वाली है। लेकिन जो 926 से प्रीवियस के जितने भी पोस्ट कोड हैं, अगर मैं फॉर एन एग्ज़ाम्पल जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले एग्ज़ाम्स हैं 903 पोस्ट कोड और 817 पोस्ट कोड, उनकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो इन एग्ज़ाम्स में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर होगी। और लेकिन जो 926 और उसके बाद के जितने भी पोस्ट कोड हैं उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है। उनका क्वेश्चन पेपर जो है 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर उनका होगा, और जो मेरिट जो बनेगी वो आपके रिटर्न स्कोर के आधार पर ही यहाँ टोटली बनने वाली है। तो अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई आपके सुझाव हैं या क्वायरीज हैं जो आप पूछना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय भारत।